हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं पूजा गुप्ता अगेन आप लोग का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल ऑफ स्त्री में। सो गाइस, होप करती हूँ कि आप लोगों ने शादी की वीडियो में खूब इंजॉय किया होगा और खूब ढेर सारा प्यार दिया होगा वीडियो को। सो गाइस, उसके बाद मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ विदाई की वीडियो, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल है और सोचा कि क्यों ना दोस्तों के साथ भी शेयर किया जाए ये इमोशनल पल। तो गाइस, ये रही विदाई की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बुआ और दीदी काजल को लेके जा रहे हैं। तो ये लेके जा रहे हैं जो खोइचा एक्सचेंज का जो रिचुअल है उसको निभाने के लिए। तो यहाँ पर काजल, बुआ और दीदी काजल को कार से लेके जाएंगे, जिसमें कि पहले से ही उनकी ननद हैं जो कि खोइचा लेकर बैठी हुई हैं। तो यहाँ से ये लोग निकलेंगे और कुछ दूर चल के काजल की नंद खोइचा एक्सचेंज करेंगी। जो माँ ने दिया है वो उनके पास जाएगा, जो काजल के सासू माँ ने दिया है वो काजल के पास आएगा। तो उसको लेते हुए ये वापस घर आएंगे और फिर काजल की विदाई होगी। तो यहाँ पर घर भरने की रस्म हो रही है और 5 बार अजरी से चावल को पीछे की तरफ फेंकना होता है और मम्मी आंचल फैलाई हुई रहती है। तो ये जो रिचुअल होता है वो इसलिए होता है कि अगर बेटी घर से जाती है तो घर में कभी भी अन्न और धन की कभी भी कमी नहीं होती है। और इसके बाद बुआ ने बोला कि तुम सबके साथ मिल लो। भाभी बैग ले लो। भैया आ गया, ये थोड़ा छोड़
सो यहाँ पे काजल एकदम रोकी रही थी, मतलब कंटिन्यूस रोई जा रही थी और सबने समझाया कि ऐसे मत रो, तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन वो जो एक बेटी जब घर से जाती है ना गाइस, मतलब क्या मैं बताऊँ, अभी भी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना जैसे कि अभी भी विदाई हो रही है उसकी। और लास्ट में जब उसने मुझसे कहा कि दीदी जाओ नहीं, मेरे को रोक लो, मुझे इतना बुरा लगा, इतना ज़्यादा बुरा कि मैं चाह के भी उसको नहीं रोक पाई। और क्या बोलूँ गाइस, अभी भी मेरे को नहीं लगता कि काजल की शादी हो गई है। ऐसा लगता है घर जाओ तो वो वेट करती है, दीदी आ गई। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगी गाइस, आप लोग आगे के वीडियो देख। सो गाइस यहाँ पर भाई काजल को पानी पिला रहा है और कहते हैं नज़र उतारने की ये रस्म की जाती है। सो अभी यहाँ पर काजल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसका रोते रोते बहुत बुरा हाल हो गया था और वो अभी भी पीछे मुड़ के यही देख रही थी काश कोई मुझे रोक लेता। तो यहाँ पर भाई नज़र उतारने की रस्म को कंप्लीट किया और उसके बाद गाड़ी को सारे भाइयों ने मिलकर धक्का दिया और फिर ऐसे ही काजल की विदाई हुई। सो गाइस विदाई की वीडियो आप लोगों ने देखी और बहुत ज़्यादा टफ होता है एक माँ और एक बाप के लिए अपनी बेटी को, अपने कलेजे को टुकड़े को किसी और को सौंप देना। और बहुत ज़्यादा इमोशनल था और हर टाइम हर कोई रो ही रहा था। इवन काजल के जाने के बाद भी बहुत देर तक सबने रो, बहुत ज़्यादा सब रो रहे थे। उनको संभालना बहुत मुश्किल था क्योंकि मेरे को भी ऐसा फील हो रहा था ना कि मतलब जैसे कोई ऐसी चीज़ लेके जा रहा है ना जिसको मैं देना नहीं चाहती, लेकिन जो समाज का नियम है और जो चलता आ रहा है परंपरा, उसे निभाना पड़ता है एक बेटी के माँ बाप को, वो चाहे तब भी वो ना चाहे तब भी। सो बहुत मुश्किल होता है गाइस, और अगर आपकी बेटियाँ हैं तो आप उसको बहुत सारा प्यार दो और कोशिश करो कि उसको किसी भी चीज़ की कमी ना हो। जैसे मेरे माँ बाप ने हम तीनों बहनों के लिए और इवन मेरे भाई, हम सबको एक समान प्यार दिया और हम लोगों को कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी और हम लोगों के हित के बारे में सोचा। सो भगवान करे हम भी ऐसे ही पेरेंट्स बने जैसे मेरे माँ बाप हमारे लिए किए, और उससे भी ज़्यादा मैं अपने बच्चों के लिए कर पाऊँ। और गाइस माँ बाप से जो सीख मिलती है ना, वो सीख कोई नहीं दे सकता। सो जो भी अभी कुंवारे हैं या लड़कियाँ जो अभी अपने माँ बाप को टाइम नहीं दे पा रही, तो गाइस प्लीज़ टाइम दीजिएगा, क्योंकि एक बार आपकी जब शादी हो जाती है ना, तो माँ बाप पे वो अधिकार आपका नहीं रह जाता है और ना माँ बाप उस अधिकार से आपको डांट सकते हैं और ना ही लाड कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपकी शादी नहीं हुई रहती है, तो माँ बाप पूरे हक से आपको डांटते भी हैं और आपको लाड भी करते हैं।
सो जो टाइम हमारे पास है उसको जी लेना हमारे हाथ में होता है, तो हमें उसको जीना चाहिए। और तो बेटियों के लिए बहुत टफ भी होता है, दो दो परिवार को संभालना, दोनों परिवार को खुश रखना, अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को। सो मैं कोशिश करती हूँ कि दोनों को इक्वली बैलेंस करके चलूँ। अगर मैं सास ससुर को हर्ट करना या सास ससुर को खुश करने में माँ बाप को हर्ट करना, ये नहीं सही होता है। तो हम लड़कियों पे भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि हमें इन सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना होता है। सो और क्या बोलूँ, माँ बाप के बारे में बोलने में तो शब्द मेरे जो है ना नहीं रुकते हैं, और अगर मैं नहीं रुकूंगी तो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। सो कोई नहीं गाइस, आपके पास जो भी ये क्वालिटी टाइम है, जो भी ये प्यारे प्यारे पल है अपने माँ बाप के साथ, आप लोग उसको बहुत ही प्यार से और बहुत ही खूबसूरती के साथ उनके साथ बिताइए और उनको बहुत सारा प्यार कीजिए। सो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा और बहुत सारा मेरे वीडियो को प्यार दीजिएगा।